लोग और यहां पर सैकड़ों की संख्या में आए देशभक्त युवा भाई और बहनों, एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। आप लोगों की आवाज दिल्ली के जेएनयू के कैंपस में जानी चाहिए। आप जब भारत माता की जय बोले, भारत माता के जय, आपकी आवाज उस अवेसी के कारण में पढ़नी चाहिए जो कहता है कि भारत माता की जय नहीं करेंगे। आप जब भारत माता की जय बोले तो आपकी आवाज उस शशि थरूर के कानों में पढ़नी चाहिए जो जेएनयू के अंदर जाके कहता है कि भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज सिमरनजीत सिंह मान के कानों में जानी चाहिए जो कहता है सिर्फ भारत माता की जय नहीं कह सकते। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के शहादत दिवस पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं इन शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उसके बाद जब मैं इस कर्नाटक की धरती पर आया हूं तो मैं कर्नाटक के उस बेटे और भारत मां के लाल लांस नायक अम्मांथप्पा को श्रद्धांजलि देता हूं, जिसने भारत मां के लिए अपना बलिदान दे दिया। मित्रों, जब मैं कर्नाटक की धरती पर आया हूं तो मैं त्रिभोगपत्री के उस प्रशांत पुजारी को नमन करना चाहूंगा जिसे कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। मैं जब इस कर्नाटक की धरती पे आया हूं तो मैं नमन करना चाहूंगा उन डी कुटप्पा को जिनको इस सरकार के पाले हुए गुंडों ने पत्थर से मार दिया। और जब मैं इस कर्नाटक की धरती पे आया हूं, मैसूर में आया हूं, तो मैं मैसूर के उस बेटे राजू को नमन करना चाहूंगा जो जिसको कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। मित्रों, क्या दोष था उनका? उनका दोष यह था कि वो राष्ट्रवादी थे। क्या उन लोगों ने कोई डाका डाला था? क्या उन लोगों ने कोई चोरी की थी? क्या उन लोगों ने किसी को लूटा था? क्या लोग जुआ खेलते थे? क्या शराब पीते थे? क्या गलती थी उनकी? क्यों मारा गया? पिछले 5 महीने के अंदर राष्ट्रवादी संगठनों के 3 युवाओं को मार मार के हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वंदे मातरम कहते थे, क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थी, सरकार के पाले हुए गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कर्नाटक की धरती से, चाहे वो डी कुटप्पा हो, चाहे वो पुजारी हो या चाहे वो राजू हो, उन लोगों का खून बेकार नहीं जाना चाहिए। जो कर्नाटक की धरती में उनका खून गिरा है वो रंग लाएगा और उनको उनके कातिलों की सरकार ज्यादा दुनिया नहीं रहनी चाहिए। मित्रों, भगत सिंह का सपना क्या था? भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर काले अंग्रेज आ गए तो उनसे आजादी कैसे मिलेगी? ये वही काले अंग्रेज है जिसकी बात शहीद भगत सिंह करते थे। जिस तरीके से देश में पिछले 2 साल में माहौल बने आपने जेएनयू के अंदर देखा होगा, अगर आज हम भगत सिंह की बात करते हैं तो उस भगत सिंह को सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं, अगर हम आज या आईएम भगत कार्यक्रम बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे, तो इन काले अंग्रेजों को हटाने की हमारी जिम्मेदारी है जिनकी बात भगत सिंह करते थे। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं,
पहुंचाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन था वो अफसर और क्या थे उसके अरमान? मैं पूछना चाहता हूं, कौन था वो अफसर? भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर पे, संसद पे हमला होता है, वो आतंकवादी हमला करता है और उसको सजा होती है। अगर वो उस दिन भारत के सैन्य बल वहां पे अपनी छातियों पे अपने सीने पर गोली खाके उस अफजल के जो साथी थे उनके मंसूबों को नाकाम नहीं करते तो आतंकवादी संसद में घुस गए होते और हमारी पूरी संसद उनके हाथों गुलाम होती और उसके बाद वो कहते कि देश के अंदर देश की जेलों में जितने भी आतंकवादी बंद हैं उन आतंकवादियों को रिहा किया जाए, उन आतंकवादियों को छोड़ा जाए, वो जितने पैसे की मांग करते, वो जो हथियारों की मांग करते, भारत की संसद को मजबूरी वश वो देना पड़ता। आप सोचिए कितने खतरनाक मंसूबे थे वो, एक बार सोच के देखिए अगर वो हो गया होता तो क्या हाल होगा। लेकिन उस अफजल गुरु के समर्थन में आयोजन होता है कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, जेडीयू के, जितने भी विपक्षी दल है, कांग्रेसों के, बसपा के, महामता जी सब उनके समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको एक राष्ट्रवादी सरकार का विरोध करना था, इसलिए वो देश विरोधियों के साथ भी खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। और जब वो लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, भारत की जो अदालत है उसको रिहा करती है सिर्फ इसलिए कि वो एक स्टूडेंट है, उसका कैरियर ना बर्बाद हो जाए और उसको कोर्ट ऑर्डर के अंदर जो कोर्ट की रिहाई से पहले एक बोर्ड भरा जाता है, उस लड़के को एक बोर्ड वो देता है कि मैं अगर झूठता हूं तो जेएनयू में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और ऐसी किसी भी गतिविधि में ना किसी को होने दूंगा। उसमें हाई कोर्ट ऑर्डर में कहता है कि शरीर के अंदर जब कोई जख्म हो जाता है, शरीर के अंदर जब कोई जख्म हो जाता है तो उसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है, लेकिन वो जख्म जब गैंग्रीन का रूप ले लेता है तो उसका ऑपरेशन होता है और जब ऑपरेशन से भी काम नहीं चलता तो शरीर के उस अंग को काट के अलग करना पड़ता है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था उन लोगों को जो इन आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, इन आतंकवादी समर्थकों का सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उस लड़के की रिहाई होती है उसे जश्न के रूप में दिखाया जाता है, जैसे वो ओलंपिक मेडल जीत गया है, ऐसे दिखाया जाता है कि भैया हमने जंग जीत ली है। एक महोदय शशि थरूर वहां पे दो दिन पहले जाके कहते हैं कि भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है, उस लड़के में उन्हें भगत सिंह नजर आता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर भगत सिंह के ये नारे लगा सकते थे कि भारत के टुकड़े होंगे, क्या भगत सिंह ये नारे लगा सकते थे कि भारत की बर्बादी तक चली चलेगी, क्या भगत सिंह ये कह सकते थे कि भारत की आर्मी रेप करती है, क्या भगत सिंह ये कह सकते थे कि अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे? तो क्या यह भगत सिंह का अपमान है कि नहीं है? यह भगत सिंह का अपमान है कि नहीं है, बताइए। यह सिर्फ भगत सिंह का अपमान नहीं है, यह देश के हर शहीद का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। लेकिन मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, इस कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार शहीदों का अपमान नहीं हुआ है। इससे पहले 60 सालों तक देश के पाठ्यक्रमों में, देश की पुस्तकों में पढ़ाया गया कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आतंकवादी थे, लाला लाजपत राय आतंकवादी थे, शहीद उत्तम सिंह आतंकवादी थे, ये शहीदों की इज्जत करेंगे। उससे पहले 2011 की घटना की मैं आपको बात करना चाहूंगा, जहां से भगत सिंह क्रांति सेना चालू हुई, जिसमें खुद मेरा एक्सपीरियंस है। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दिल्ली के दिल कहने जाने वाले कनॉट पैलेस में, इंडिया गेट से जब आप राजीव चौक की तरफ जाते हैं तो एक विंडसर पैलेस चौक आता है, उस विंडसर पैलेस चौक का नाम चेंज करके मनमोहन सिंह ने फैसला किया इस चौक का नाम अब सर शोभा सिंह चौक किया जाएगा। आप में से कितने लोग
आगे हाथ खड़ा करके बताइए कि शोभा सिंह कौन है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें सही इतिहास बताया नहीं गया, हमें गद्दारों की पहचान नहीं है। सर शोभा सिंह वो व्यक्ति था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद के अंदर बम फेंका और कहा कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है तो भगत सिंह को सजा दिलवाने के लिए अंग्रेजों को एक गवाह की जरूरत थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, तो भगत शोभा सिंह नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोला मैं भगत सिंह के खिलाफ गवाही दूंगा। भगत सिंह को सजा दिलवाने वाला वो व्यक्ति शोभा सिंह, जिसको सर की उपाधि अंग्रेजों ने इसके एवज में दी, उस शोभा सिंह के नाम पर मनमोहन सिंह दिल्ली के कराट पर सड़क का नाम रखना चाहते थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया और मनमोहन सिंह की सरकार को फैसला वापस लेने को मजबूर कर दिया। उसके अलावा जो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल आ रही है, देखिए उसमें कैसे नेताजी की परिवार के ऊपर जासूसी की गई। उन फाइल में देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को लिख के दिया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाते हैं तो हिज योर वॉर क्रिमिनल, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो हम आपके हवाले उनको करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये शहीदों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो जेएनयू के अंदर मित्रों घटना हुई, ये पहली घटना नहीं थी, ये देश द्रोह की पहली घटना जेएनयू के अंदर नहीं थी। आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को अवेयर कर पाएंगे। इससे पहले 2009-2010 में जब सीआरपीएफ के 76 जवानों को बांदरेवाला में शहीद किया गया, तो इसी जेएनयू के कैंपस के अंदर जश्न मनाया गया, उसका इन कॉम्युनिस्टों द्वारा डीजे लगा के जश्न मनाया गया। उससे पहले 2002-2003 की घटना का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें एक मुशायरे का आयोजन किया गया जेएनयू के अंदर। उस आयोजन में पाकिस्तानी शायरों को बुलाया गया और उस शायरी के दौरान वो भारतीय सेना की बुराई करने लगे कि भारतीय सेना कश्मीर में गलत काम करती है। जब दो युवाओं ने उसका विरोध किया तो उन युवाओं की पिटाई की गई। उन युवाओं ने अपना आईकार्ड दिखाया कि हम भारतीय सेना से हैं, यहां से निकल रहे थे, वी आर फ्रॉम इंडियन आर्मी। उन लोगों की और गई मजबूरी में उन्होंने अपनी गुआ जो बंदूक से हवाई फायरिंग की और उनकी जान बची। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार मीडिया ने आपको दिखाया है। पिछले कई दशकों से जेएनयू के अंदर देशद्रोहियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। पहली बार किसी राष्ट्रवादी सरकार ने इस अड्डे को खत्म करने का प्रयास किया है, तो लोगों में जो छटपटाहट दिख रही है, ये इंटॉलरेंस, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अवार्ड वापसी, ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और मित्रों, अगर ये सिर्फ सरकार के खिलाफ होता तो मैं कुछ नहीं कहता। देश के हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक है, देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री की आलोचना करने का हक है, देश के हर नागरिक को किसी भी पार्टी की आलोचना करने का हक है। हर व्यक्ति अलग विचारधारा का हो सकता है, इस देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे ये तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। मित्रों, पिछले 2 साल से देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश में माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखो भारत में कितनी इंटॉलरेंस हो गई है, असहिष्णुता हो गई है, अवार्ड वापसी वाले चाहते हैं, जो लोग चुनावी के ऊपर चुप थे, जो लोग इमरजेंसी के ऊपर चुप थे, जो लोग फतेहपुर के ऊपर चुप थे, आज सभी चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं सीधा कहूंगा कि वो गलत है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चल रहा है और किस तरीके से भारत की छवि को धूमिल करने की विदेशों में कोशिश हो रही है। मित्रों, 3 घटनाएं पिछले 1 साल के अंदर घटी। पहली घटना बंगाल के अंदर एक चर्च के अंदर एक नन का रेप होता है, गैंग रेप होता है। उस गैंग रेप में राष्ट्रवादी संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं कि
उन्होंने रेप किया और सारे टीवी चैनल पे 10 दिन तक वो स्टोरी चलती है, प्राइम टाइम पे डिबेट होती है। बाद में पता लगता है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उन लोगों ने उन्हें रेप किया। जिस दिन वो पुलिस की रिपोर्ट आती है सारा मीडिया चुप हो जाता है, सब अवार्ड वापसी वाले चुप हो जाते हैं, सारी इंटेलिजेंस ब्रिगेड चुप हो जाती है। मीडिया माफी मांगा तो दूर, ये दिखाता तक नहीं है, बतलाता तक नहीं है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी घटना दिल्ली के साथ सटे फरीदाबाद में होती है। 6 महीने पहले आप सबने सुना होगा कि 2 दलित युवाओं बच्चों की एक घर में जल के मृत्यु हो जाती है, उसमें भी राष्ट्रवादी संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि लोगों ने दलितों को जला दिया। टीवी चैनल पे फिर से इंटॉलरेंस आता है, फिर से अवार्ड वापसी वाले गैंग जाते हैं। 10 दिन के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट के अंदर अंदर से आग लगी, उसके बाद फिर से वो बंद हो जाता है। आप इनकी साजिश देखिए, और वो रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं सकती, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हर इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी सीएनएन आईपीएन दिखाता है कि भारत में देखो कैसे माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, कैसे दलितों पे अत्याचार होता है, भारत सुरक्षित नहीं है। तीसरी घटना दिल्ली के चुनाव से पहले होती है। 4 चर्चों में देश भर में हमला होता है, यह हमला दिखाया जाता है, फिर से कहते हैं देखो भारत इंटॉलरेंट हो गया है, इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर माइनॉरिटीज एंड दलित, ऐसा कहा जाता है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि किसी राष्ट्रवादी संगठनों का उसमें हाथ नहीं था। और एक घटना में तो ऐसा हुआ कि एक चर्च में बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए लग जाती है और न्यूज चैनल उसको एक हमले के रूप में दिखाते हैं कि राष्ट्रवादी संगठनों ने एक शीशा ढूंढा है गेंद लगने से, उसे हमले के रूप में दिखाते हैं। बाद में रिपोर्ट सामने आती है, चुनाव निकल जाते हैं तो कोई भी आके सफाई नहीं देता। मित्रों, ये भारत की छवि को पूरे दुनिया में धूमिल करने की कोशिश है। एक एक्टर साहब आके कहते हैं कि मेरी पत्नी कहती है नाउ इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री, वी शुड लीव इंडिया। ये वही एक्टर थे जब गुजरात के अंदर नर्मदा पार परियोजना बन रहा था तो मीना पाटकर के साथ जाके बैठे थे। उन लोगों ने नर्मदा पार को 10 साल तक रोक के रखा और किसानों को पानी नहीं पहुंचने दिया, गुजरात के विकास को रोकना चाहते थे। ये वही एक्टर थे। तो एक हमारा ब्लॉग है bhagatsinghkrantisena.blogspot.com, उसमें मैंने वो डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं। कांग्रेस की एक राज्यसभा की सांसद, वो बहुत बुजुर्ग हो गई है, उस सांसद ने उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के को पत्र लिखा कि मीना पाटकर गुजरात के खिलाफ काम कर रही है, आप पार्टी को अलग रख के इसको सोचिए, क्योंकि अगर वो पानी पहुंचता है तो गुजरात के किसानों को पानी मिलेगा। और उसने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए, उस डॉक्यूमेंट्स में लीक ईमेल थे जो मीना पाटकर को आए थे विदेशों से। उस ईमेल में लिखा था, उस ईमेल में लिखा था कि अगर ये जो जज है आपके फैसले आपके फेवर में फैसला देते हैं, जो एक्टिविस्ट आपके साथ आके बैठते हैं, आप उन लोगों का हमें नाम भेज दीजिए, हम बाद में उनको इंटरनेशनल अवार्ड देंगे। ये साजिश विदेशों से चल रही है। ये जितना इंटॉलरेंस और जितना अवार्ड वापसी का ड्रामा चल रहा है, ये कोई ऐसे वैसे चलने वाला ड्रामा नहीं है कि पिछले 65 सालों से राम राज्य चल रहा था, अचानक 2 साल में देश की परिस्थितियां होगी, ये सारे क्या गए। ये पूरी विदेशों से फंडेड है। और उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं मित्रों, सीरिया के अंदर जो हालात बने, जो तख्ता पलट हुआ, जो विद्रोह हुआ, क्या आप जानते हैं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज में विरोध हुआ, जितने भी आंदोलन चालू हुए वो उन विश्वविद्यालयों से चालू किए गए, क्योंकि उन विश्वविद्यालयों में जब युवा जाते हैं स्कूल से तो उनके दिमाग में पॉलिटिकल बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो जो उनको पढ़ाया जाता है उनको लगता है यही ठीक है। तो जब ये लोग पकड़े गए तो रिपोर्ट आया कि इनका स्कीम सिर्फ ये जादवपुर और जेएनयू में नहीं था, ये देश के 18 से 20 विश्वविद्यालयों में इस आंदोलन को लेके जाना चाहते थे। गिरफ्तार होकर उनका वो प्लान फेल हो गया। ये आपके पास आज ऑप्शन नहीं है कि आपने जेएनयू के उस राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में खड़ा होना है,
या राष्ट्रवादियों के समर्थन में खड़ा होना है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने भारत को अब्दुल कलाम का 2020 का भारत सुपर पावर भारत देखना है, या आपने वो सीरिया बनता भारत देखना है जो आज के इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट प्लान कर रहे हैं। मैं उन्हें बुद्धिजीवी आतंकवादी कहता हूं। जिस तरीके से देश के अंदर ये हालात बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि ये साधारण है, तो ये साधारण नहीं है। तो आपने देखा कि पहले क्या उसका तो पहले क्या हालात थे, पूरी दुनिया में भारत की छवि क्या थी, स्कैम कंट्री कहा जाने लगा था, 2G 3G, जीजा जी दामाद जी को जी CW जी, हर रोज नया घोटाला निकलने को मिलता था। आप अखबार खोलो तो आपको नया घोटाला मिलता था। तो जो 65 सालों तक इन अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उनको लगता है अगर 2020 में भारत सुपर पावर बन गया तो ये काले अंग्रेज जब सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनकी छटपटाहट ये काम कर रही है। इसलिए वो एक अगर पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, वो देश का विरोध करने वालों के साथ भी जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी सत्ता वापस लानी है। तो 4 साल पहले आप हालात देखो, इसी कर्नाटक से नोकिया बंद होके जा रही थी, आज इस देश में एप्पल वापस एप्पल आ रही है जो भारत के अंदर मेक इन इंडिया करना चाहती है। आज मर्सिडीज कहती है कि दुनिया भर में जो वोल्वो एक्सपोर्ट होगी वो मेक इन इंडिया होगी। आज सैमसंग कहती है कि दुनिया भर में जो मोबाइल एक्सपोर्ट होंगे वो मेक इन इंडिया होंगे। अगर ये रोजगार मिलेगा तो किसको मिलेगा? आपको और हमें मिलेगा, हमारे परिवार वालों को मिलेगा। आप और हम लोग संपन्न होंगे, हम संपन्न होंगे तो देश संपन्न होगा, और अगर देश संपन्न होगा तो ये काले अंग्रेज कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इंटॉलरेंस यही है, यही इंटॉलरेंस है, यही अवार वापसी है। मित्रों, जब आज हम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस मना रहे हैं, तो उनके सपने को पूरा करना जरूरी है, जो काले अंग्रेजों को देश के आजादी के 65 सालों बाद हमने सत्ता से हटाया, तो दोबारा सत्ता में आने के लिए जो छटपटाहट कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन वो कोई भी अकेला नहीं कर सकता, कि आप और मैं मिलके, हम सब मिलके कर सकते हैं। आइए, भगत का मतलब ये नहीं है कि आज हमने संसद में जाके कोई बम गिराना है। वैसे आज एक आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने जाके कह दिया कि देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में 2-3 बम गिरा देने चाहिए। ये आज के आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर का बयान है। हमें इन लोगों को एक्सपोज करना है। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे छात्र हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जहां भी हो इस बारे में बात करें, लोगों को अवेयर करें कि किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश चल रही है, तभी हम इन लोगों को हमेशा के लिए हटा पाए, और तभी हम भगत सिंह का सपना पूरा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें मेरा साथ देंगे। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, आप सबका धन्यवाद। भारत